जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि 4 जून को देश भर में सभी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज में काउंटिंग होनी है। काउंटिंग सुबह 8 बजे स्टार्ट होगी। अंडमान निकोबार पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी हमने काउंटिंग 4 जून को करवाने के लिए सारे प्रबंध कर लिए हैं। जहाँ तक कि काउंटिंग पर्सनल का सवाल है, उनको हमने आइडेंटिफाई करके कर लिया है। उनकी ट्रेनिंग्स, 4 राउंड ऑफ ट्रेनिंग हो चुकी हैं, 4 राउंड ऑफ ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी हैं। साथ ही साथ उन सभी लोगों को, साथ में जो भी असिस्टिंग स्टाफ है, उनको जो आई कार्ड्स वगैरह इशू होने हैं वो भी कर दिए हैं। काउंटिंग सेंटर और स्ट्रॉन्ग रूम पे 3-tiered पुलिस अरेंजमेंट, सिक्योरिटी अरेंजमेंट रहता है। बहुत स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी के प्रबंध किए गए हैं। यहाँ पर अंडमान निकोबार पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में काउंटिंग के लिए हमने 2 हॉल्स बनाए हैं। हर हॉल में 14 टेबल हैं, तो कुल मिलाकर टोटल 28 टेबल रहेंगे। 412 पोलिंग स्टेशंस में 15 राउंड में काउंटिंग की जाएगी। उसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस के अनुसार 5 वीवीपैट की काउंटिंग भी करनी है, तो 15 राउंड ख़त्म होने के बाद हम वीवीपैट्स की काउंटिंग टेकअप करेंगे। काउंटिंग के दौरान बड़े स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी का प्रबंध किया गया है, और काउंटिंग के दौरान जो भी सारी अरेंजमेंट्स हैं, फायर से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, ECI की गाइडलाइंस, जो भी डेटा ट्रांसमिशन करना है कैंडिडेट्स को, लोगों में, इलेक्शन कमीशन को, तो उसके सारे प्रबंध कर लिए गए हैं और उसका एक ड्राई रन भी कर लिया गया है। तो मेरी उम्मीद है कि काउंटिंग 4 जून को बहुत स्मूथली और बड़े प्रोफेशनल मैनर में होगी। मेरा लोगों से ये आग्रह है कि इस पूरे प्रोसेस में कानून व्यवस्था बनाए रखें और प्रशासन के साथ पूरा सहयोग करें।